दोस्तों स्वागत है आपको सुनिए तो कल का। आज मैं रिव्यू देने वाला हूँ, किसका रिव्यू देने वाला हूँ, हॉकाय का। देखो हॉकाय अगर मेरी मानो तो बहुत अच्छी सीरीज थी, बाकी आप लोगों की मर्जी, आपको जैसे रेट करने करो। तो मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा ओपी टाइप वाली सीरीज थी, स्पेशली इसके एपिसोड 3 की जो एक्शन सीरीज थी भाई, मतलब भाई साहब कमाल कर सकते भाई हॉकाय को। भाई अब तक जो भाई चीज हॉकाय को हम लोग एक तो स्पेशल मतलब एक साइड हीरो तक देखते आए थे, उसको एकदम से एक इतने बड़े विलन के सामने रख दिया एको। तो आप लोग एको के बारे में नहीं जानते तो एको कॉमिक बुक से एक एंटी हीरो है आप कह सकते हो, लेकिन और हाँ एको जो है वो किंग पिंग सौतेली बेटी अब इंटरेस्ट बढ़ गया होगा ना, जानता था। देखो ऐसी बात नहीं है भैया, एको जो है बहुत ताकतवर है, कंपेयर तो आप उसकी पावर्स को कंपेयर कर सकते हो टास्कमास्टर की पावर से। टास्कमास्टर और एको की पावर लगभग लगभग सेम टू सेम ही है। और अब बात करते हैं केट बिशप की। मैं लिटरली बोले जिस एक्टर ने इसको निभाया मुझे उसका नाम क्या नाम था, भाई मतलब उस एक्ट्रेस ने ऐसा निभाया ना भाई, अच्छा भैया भाई ऐसा भाई यही है बस यही है नहीं मौका, इसको वो कम्पीट नहीं कर पाएगा, ऐसा ऐसे वाले फिर ऐसा लगे तुम्हें। और जब वो एको से लड़ रही थी, हाँ क्या उसे एको से एको बार भी लड़ाई तो नहीं करी है, मगर हाँ बोलना पड़ेगा कि ये उसने जो काम किया ना हॉकाय के साथ टीम कर कमाल के किया। मार्वल वालों की भी इस जगह पर बहुत तारीफ होनी चाहिए, एक ऐसी हीरो ढूंढना जो कि हॉकाय के साथ काम कर सके वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अब मेरा अगला रिव्यू आएगा बहुत दिनों बाद, तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू द नेक्स्ट।